हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो अच्छे ही होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं हिंदी दिवस का, तो बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है, ताकि आप ऐसे पोस्टर खुद से बना लो। दोस्तों, इसका PLP फाइल मैं आपको दे दूँगा। PLP फाइल में पासवर्ड लगा होगा, जो कि आपको वीडियो में दो स्टेप में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको PLP फाइल का पासवर्ड मिल जाए और जिप फाइल को आप अनजिप कर सके। दोस्तों, ऐसे पोस्टर बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर भी आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। दोस्तों, अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको न्यू में दिखेगा। बीच में दिखेगा इस तरह का न्यू टेक्स्ट। सबसे पहले यहाँ से आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर रहे हैं। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो आपको PLP फाइल दूंगा उसको ओपन करना है। दोस्तों, अगर आपको PLP फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता और पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करने नहीं आता, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं अपना PLP फाइल ओपन कर लेता हूँ। PLP फाइल ओपन करने के लिए राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PLP फाइल पे जाएंगे। जैसे ओपन PLP फाइल पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में PLP फाइल ऐड करोगे तो। दोस्तों, यहाँ से आपको जिसका पोस्टर डिजाइन करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार ओके करके कुछ इस तरह से हम एक बार बैक आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा PLP फाइल कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है। दोस्तों, अगर इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं आप, तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि अपना फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, साथ में अपने सोशल मीडिया का यूज़र नेम भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना फ़ोटो कैसे लगाएंगे ये मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आप अपना फ़ोटो PNG लगाने से पहले जो फ़ोटो PNG इस पर लगा होगा इसको आपको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए कुछ इस तरह से हम फ़ोटो PNG को सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फ़ोटो PNG यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो फ़ोटो PNG आप अपना लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों हमने अपना फ़ोटो PNG सेलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लूँगा कुछ इस तरह से और नीचे से राइट कर दूँगा। जैसे राइट करोगे आप भी अपने फ़ोटो PNG पे, तो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको मोटे वाले बिंदु पर टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से हम नीचे लाएंगे और यहाँ लाने के बाद दोस्तों अपने फ़ोटो PNG को बहुत ही अच्छे से फिट कर लेंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद दोस्तों नाम चेंज करने के लिए नाम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी इनका नाम है दोस्तों, रवि किशन, तो बहुत ही अच्छा से यहाँ पे रवि किशन लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपको इनका नाम देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्तों नाम को थोड़ा छोटा कर लेंगे और इस बॉक्स में अच्छे से फिट कर लेंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके अलावा अगर दोस्तों आप अपने सोशल मीडिया का कुछ भी यूज़र नेम देना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, तो बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। इसको देने के लिए इसी तरह से यूज़र नेम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी आपके सोशल मीडिया का यूज़र नेम होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से टाइप करके ऊपर ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपने सोशल मीडिया का यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप, वो करने के बाद दोस्तों इस पोस्टर को आपको अपने गैलरी में सेव करना है। दोस्तों, गैलरी में सेव करने के लिए सबसे ऊपर शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। बीच में दिखेगा आपको कस्टम, कस्टम पर क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे तो ये पोस्टर बनके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।